गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो हम आज की अपनी इस वीडियो में देखने जा रहे हैं अपने क्या जो हमारा यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था, यूपी पीजीटी बायोलॉजी का, कब ये हुआ था हमारे 17 अगस्त 2021। कहने का मतलब है 17 अगस्त 2021 को जो हमारा यूपी पीजीटी बायोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ था, आज हम देखने जा रहे हैं उसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपना। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो टर्म सिंगल सेल प्रोटीन है ये किसके लिए रेफर होती है। तो शैवाल, कवक अथवा जीवाणु की बड़े पैमाने पर वृद्धि से प्राप्त प्रोटीन के लिए हम कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन सा टॉक्सिकेंट, टॉक्सिकेंट मतलब अविषाक्त, मिलता है हाइड्रोस्फीयर मतलब जलमंडल में। तो वो होता है हमारा डिटर्जेंट। बाकी नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, ये हमें कहाँ मिलते हैं, एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट में भी कहाँ पर, एटमोसफेयर में। एटमोसफेयर में या तो ट्रोपोस्फेयर में या तो स्ट्रेटोस्फेयर में हमको देखने को मिलते हैं। बस डिटर्जेंट जो होते हैं ये हमको हाइड्रोस्फेयर में मिलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारा लीच है मतलब हेरुडेनेरिया, इसमें कितने खंड होते हैं। तो वो होते हैं 33 खंड। अगला क्वेश्चन है जो लाइसोजेनिक साइकिल है इसमें जो फाज जो इसको दर्शाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं। तो उनको हम बोलते हैं टेम्परेट फाज। इन फाज में ये होता है, मान लो एक मेरी बैक्टीरिया की ये सेल है, इस सेल के अंदर मेरा ये फाज जाएगा मतलब इस सेल को इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरिया की सेल को, और इसके अंदर जाएगा इसका डीएनए। जब ये डीएनए इस बैक्टीरिया के जो क्रोमोसोम है इसके साथ बाइंड करेगा, बाइंड करने के बाद ये डीएनए जो अब क्या है, बैक्टीरिया का डीएनए और इस बैक्टीरियोफाज या इस फाज का डीएनए दोनों का संयुक्त रूप है। तो जब ये डिवीजन करेगा या मैं बोलूं या इसका जब रेप्लिकेशन होगा तो इसी के साथ ही होगा, इसी सेल के अंदर। ठीक है, और ये फाज जो ऐसी जीवन चक्र या ऐसा लाइफ साइकिल दर्शाता है इसको हम बोलते हैं टेम्परेट फेज, और इस पूरी साइकिल को बोलते हैं हम लाइसोजेनिक साइकिल। ठीक है, और अगर यहाँ पे लाइटिक साइकिल होता तो लाइटिक का मतलब है इस फाज का डीएनए इसके अंदर गया, इस डीएनए ने अपनी कॉपी करी, कॉपी करने के बाद इस बैक्टीरियल सेल को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद इसकी बॉडी से बाहर निकल गया। ठीक है, तो लाइटिक में होस्ट की जो सेल है उसका लाइसिस होता है या मतलब उसका डिग्रेडेशन होता है या फिर उसको तोड़ा जाता है। ठीक है, लाइटिक में, लाइसोजेनिक में ऐसा नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब ऐसा देखने को नहीं मिलता है लाइसोजेनिक में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या कि जो फ्यूनेरिया है, फ्यूनेरिया में जो कैलिप्टरा है वो किससे बनता है या उसकी व्युत्पन्न किससे होता है। तो वो होता है आर्किगोनियम से। ठीक है, आर्किगोनियम बनाता है कैलिप्टरा को, किसमें, फ्यूनेरिया में। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या एक फिनोमेना है जिसे हम बोलते हैं ब्रेडी टेली। ब्रेडी टेली का मतलब होता है इवोल्यूशन होना, बहुत धीरे धीरे प्रोसेस। कहने का मतलब है किसी ऑर्गेनिज्म में अगर इवोल्यूशन होता है बहुत धीरे धीरे तो हम इसको नाम देते हैं ब्रेडी टेली का नाम देते हैं। ठीक है, मतलब इस फिनोमेना को हम ब्रेडी टेली बोलते हैं। तो ये देखा जाता है हमारे इस फिनोडॉन में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगले क्वेश्चन में हमें बतानी है मैचिंग या इस, ये दिए हैं पेड़, यहाँ इस तरफ दिया है इनका साइंटिफिक नेम, आपको ये बताना है कौन सा सही है। तो जो शीशम है, शीशम के साइंटिफिक नेम होता है डलवर्जिया, ये बिल्कुल सही है। चिरपाइन जो है ये हमारा नाम होता है पाइनस के ट्री के लिए। साल, ठीक है, साल के पेड़ का नाम बताना था साइंटिफिक। और टीक, जो टीक है इसको हम बोलते हैं टेक्टोना ग्रैंडिस। ठीक है, चलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन जो है इसमें हमसे पूछा है कि न्यू वैरायटी का बनना मतलब न्यू वैरायटी बनना स्पीसीज की एज ए रिजल्ट ऑफ, कहने का मतलब है जातियों की नव उपजातियां उत्पन्न होती हैं माइक्रो इवोल्यूशन मतलब सूक्ष्म विकास के फलस्वरूप। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, बैक्टीरिया का जब रिप्रोडक्शन होता है तो डोनर से रेसिपिएंट में जाने वाला जो जीन है वो सेक्स फैक्टर के द्वारा जब जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर इसको सेक्स फैक्टर बोलते हैं या बोलते हैं सेक्स पिलाई, PILI, सेक्स पिलाई बोलते हैं, और ये किस प्रक्रिया में होता है, कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कि इसमें हमसे पूछा है कौन सा मैचिंग करेक्ट नहीं है। तो देखिए जो हमारा रेनिन होता है इसकी स्पेलिंग दे रखी है RENIN, मतलब सिंगल N, तो ये जो रेनिन है ये हमारा आता है किस में, रास में, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टोन सिस्टम, इस सिस्टम में किडनी से निकलता है रेनिन, ठीक है। तो ये हमारे रास मैकेनिज्म में रोल प्ले करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है इसके सामने मैचिंग में, वो दे रखा है स्टमक ऑफ इन्फेंट, उसमें जो एंजाइम है उसकी स्पेलिंग होती है RENIN, रेनिन, वहाँ पर इस एंजाइम की बात करी गई है, ठीक है, जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या कि जब वो मैकेनिज्म प्लांट अपनाए जिसमें एंथर का डहेसेंस और स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी में क्या हो, अंतर हो, ठीक है, मतलब दोनों एक ही समय पर मैच्योर ना हो, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइकोगेमी, और ये कंडीशन होती है सेल्फ पॉलिनेशन को बचाने के लिए, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सी चीज़ नहीं होती है, तो ना तो हिस्टोन होता है, ना ही साइटोस्केलेटन, ना ही सब सेलुलर ऑर्गेनल्स, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वो सीड बताओ जिसमें लॉन्गेस्ट वाइएबिलिटी होती है, लॉन्गेस्ट वाइएबिलिटी का मतलब है एक सीड है इसको आपने आज संभाल के रख दिया और आप इसको मान लो 10,000 साल बाद भी अगर इसको आप जमीन में अगर डालेंगे या जमीन में अगर इसको गाड़ देंगे तो इसमें से पूरा वृक्ष, या मैं कहूँ ये सीड में जर्मिनेट होने की शक्ति मौजूद होती है, ठीक है, तो इसे बोलते हैं इसकी वायबिलिटी, मतलब इसको अगर मैं कितने भी समय के लिए संभाल के रखूँ या एक लिमिटेड टाइम के लिए संभाल के रखूँ उसके बाद इसको उगाऊँ तो ये हमारे को एक पूरा वृक्ष प्रदान करे, ठीक है, इसको बोलते हैं वायबिलिटी। तो ये सबसे ज़्यादा किस में देखने को मिलती है, ये लुपिनस में देखने को मिलती है इन चारों ऑप्शन में से, ठीक है। ये जो 10,000 का मैंने टाइम पीरियड लिया है ये मैंने अप्रोक्सीमेट टाइम लिया है या मैंने अनुमानित समझाने के लिए बताया है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या कि ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें बोला है रेट ऑफ ऑक्सीजन कंजप्शन एक एनिमल में वो है एक्स एट द रेट 0°C, अगर Q10 हो जाता है इक्वल टू 2 तो किस टेम्परेचर पर रेट 8 गुना होगा, तो 30°C पे रेट कितना होगा, 8 गुना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बोवेल और गोवेल ने जो सेलाजिनेला का राइजोफोर है उसको क्या बोला है, तो इसने बोला है ऑर्गन स्वी जेनेसिस, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारी क्रेब्स हैंसलेट साइकिल है इसी का दूसरा नाम हमसे पूछा है जो कि क्या होता है, यूरिया साइकिल, ठीक है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा एक फंगाई है इसमें क्या है, सेप्टेड हाइफा है और वो रिप्रोडक्शन करता है असेक्सुअली बडिंग से, कोनिडिया से, फ्रेगमेंटेशन से, तो वो आता है हमारा बेसिडियो माइकोटा में या बेसिडियो माइकोटीना में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो प्रोटीन किरेटिन है वो किसमें मौजूद नहीं होती है, तो पहले देखते हैं किसमें मौजूद होती है, तो जितने भी हमारे ज़मीन पर रहने वाले वर्टिब्रेट हैं, मतलब लैंड वर्टिब्रेट हैं, इनके एपिडर्मिस में किरेटिन नामक प्रोटीन मिलती है, लेकिन जो हमारी मछलियां होती हैं इनमें ये प्रोटीन मौजूद नहीं होती है, ठीक है, तो फिश होगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें से हमसे पूछा गया है भारत में पाया जाने वाला सांप जो विषैला नहीं है, तो वो है हमारा बोआ कॉन्स्ट्रिक्टर। अगला क्वेश्चन है कॉपर की कमी हो जाए तो हमको क्या देखने को मिलता है, एक्सेंथीमा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है रेंडियर मॉस, तो रेंडियर मॉस जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं क्लेडोनिया रेंजिफेरा को। अगला क्वेश्चन है कि जो ये शब्द हैं लॉटिक और लेंटिक ये किसके लिए उपयोग होते हैं या किसके संदर्भ में उपयोग
किए जाते हैं। तो ये हमारे जो हमारे स्वच्छ जली आवास के लिए हम ये शब्दों का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो ऑर्चिड की जड़ है उनमें जो वेलामिन है वो किससे डिराइव होता है। तो जो डर्मेटोजन होते हैं रूट के उनसे डिराइव्ड होते हैं या इनसे व्युत्पन्न होता है ऑर्किड जड़ के वेलामिन का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है एक रेगुलर इंटरवल पर हार्ट बीट जब रिवर्स्ड हो जाती है ऐसा किस में देखने को मिलता है। तो ऐसा देखने को मिलता है हार्डमानिया में, मतलब ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। या हार्डमानिया अगर कहीं पे ना लिखा हो तो ऑप्शन में हो सकता है एसीडियन, ASCIDIAN एसीडियन हार्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो एसीडियन हार्ट में क्या होता है एक रेगुलर इंटरवल बाद जो हार्ट बीट होती है वो रिवर्स्ड हो जाती है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है फ्लोरल फॉर्मूला पूछा है रोजेसी फैमिली का। तो इसमें ऑप्शन ए भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है, मतलब दोनों ऑप्शन सही हैं। अब ये आयोग पर निर्भर करता है कि वो एक को सही मानता है या दो को सही मानता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है वो एंजाइम, मतलब वो प्रो एंजाइम है जो पहले कन्वर्ट होता है एक्टिव एंजाइम में एंटीरोकाइनेज की मदद से, फिर क्या करता है ऑटोकैटालाइसिस। तो वो एंजाइम है हमारा ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो बॉम्बेक्स मोरी है उसमें जो लार्वा लाइफ है वो कितने दिन तक रहती है। तो वो रहती है 30 से 35 दिन के बीच तक। ठीक है, तो इससे मिलता जुलता हमारा ऑप्शन है 32, मतलब 32। तो 32 दिन तक बॉम्बेक्स मोरी का लार्वा लाइफ रहती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या हेलोफाइटिक फर्न कौन सी है। हेलोफाइटिक का मतलब होता है वो फर्न जो एक्सट्रीमली सलाइन कंडीशन में रह सके। मान लो एक पानी है और ये क्या है बहुत ज़्यादा खारा है, इस खारे पानी में जो फर्न ग्रो कर सकती है उसको हम बोलेंगे हेलोफाइटिक फर्न, और वो कौन सी होती है हमारी एक्रोस्टिचियम ऑरियम। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या पीसीओ साइकिल का दूसरा नाम, तो इसी को हम C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है वो स्टेटमेंट बताओ जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के लिए सही नहीं है। तो इसमें सिर्फ कॉपर होता है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या जो स्ट्रेटिफिकेशन है ट्रीज का, मतलब पेड़ों का स्तर विन्यास, वो हमको दिखाई देता है कहाँ पे उष्ण कटबंधीय मानसूनी वनों में, मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। अगला क्वेश्चन है स्पोरोजोआ में जो फीडिंग होती है वो होती है माइक्रोस्पोर द्वारा, मतलब सूक्ष्म रंध्रों द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज फाउंड इन फूड बोर्न टॉक्सिन। कहने का मतलब है एक हमारा आहार वहित जीव विष है, तो वो होता है हमारा बोटुलिनियम टॉक्सिन, और इसी को हम बोलते हैं बोटुलिज्म, BOTULISM बोटुलिज्म एक बीमारी होती है जिसमें क्या होता है, या इसी को हम क्या बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। ठीक है, फूड पॉइजनिंग के नाम से भी हम इसको जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा इज कॉल्ड, तो हम इसको बोलते हैं इन विवो अंकुरण। ठीक है, इन विवो जर्मिनेशन हम इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल डोगमा बताना है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। तो इसमें सबसे पहले बनता है डीएनए, डीएनए से बनता है हमारा आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन, यह हम बोलते हैं सबसे पहले होता है हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड, उससे बनता है आरएनए, और वो आरएनए फिर क्या बनाता है प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या होगा करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या इनमें से कौन सा एक फॉसिल का टाइप नहीं है। तो देखो कोलवॉल, एम्बर और कॉम्पैक्शन, ये तीनों हमारे फॉसिल होते हैं, जबकि बेसल्ट ये हमारा कोई भी फॉसिल का प्रकार नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है पेडिसिलिया का काम बताना है स्टार फिश में, तो ये काम करती है क्लिंजिंग का, मतलब स्वच्छ रखने का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या रेनिन एंजियोटेंसिनोजन, जो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि रेनिन एंजियोटेंसिनोजन एल्डोस्टोन सिस्टम, इसी का शॉर्ट फॉर्म होता है रास, इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो कौन सा है
तो वो होती हैं जेजीए सेल्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ये जो फॉर्मूला दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये पहले आपको ये बताना था कि ये किसका फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये किसका होता है, फ्रूट राइपनिंग गैस जो हमारी इथाइलिन होता है उसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मतलब ये क्या काम करती है, फ्रूट राइपनिंग का काम करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनहांसेस द फ्लेवर ऑफ फूड, फूड का फ्लेवर बढ़ाने वाला कौन सा है, तो वो होता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या इनमें से सबसे जो प्राचीन है वो कौन सा एरा है। ठीक है, मतलब सबसे प्राचीन जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल द्वारा है वो कौन सा है, तो सबसे पुराना होता है हमारा इसमें क्या, साइलोटम। ठीक है, ये लाइकोपोडियम से भी पुराना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ह्यूमन में प्लेसेंटा, तो ह्यूमन में प्लेसेंटा होती है वो होती है हीमोकोरियल। इसी हिसाब से आप ऑप्शन नंबर 1 लगा सकते थे सही जवाब में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है अगर कोई व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो उसकी जो मसल्स हैं उनका आकार 60% तक बढ़ जाता है, ये किसके बढ़ने से होता है, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि जो हमारे फाइब्रस बैंड बनते हैं एंडोथीसियम ऑफ एंथर वॉल पे, वो किससे बने होते हैं, वो बनते हैं अल्फा सेल्युलोज से। अगला क्वेश्चन है विच वन इज फाउंड इन एंडोस्पोर ऑफ बैक्टीरिया नॉट इज वेजिटेटिव सेल, बैक्टीरिया के एंडोस्पोर में मिलते हैं लेकिन वेजिटेटिव सेल में नहीं मिलता है, तो वो होता है हमारा क्या, डिपियोक्लोनिक एसिड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है टीथ आर रिप्लेस्ड बाय ए हॉर्नी बीक इन विच ऑफ द फॉलोइंग, किसमें जो दंत श्रृंगी चोंच द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, तो वो होता है हमारा राइंकोसेफेलिया में। अगला क्वेश्चन है जो स्ट्रेन है ऑर्सिन ये हमको किसके थैलस से मिलता है, तो रोशेला स्पीसीज के थैलस से मिलता है या प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है टीनिया एस्केप डाइजेशन बाय द एंजाइम ऑफ द होस्ट इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, कहने का मतलब है टीनिया सोलियम जब आपके इंटेस्टाइन में रहता है तो एंजाइम उस पर असर नहीं करते हैं उसको डाइजेस्ट करने में, तो भैया क्योंकि उसके ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है, किसकी, एल्कलाइन म्यूकोपॉलीसेक्राइड की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या एम्फीऑक्सिस की क्लीवेज, तो होती है इक्वल और होलोब्लास्टिक। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजिनस और वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट कहाँ पर स्टोर होता है, तो वो होता है एलेंटोइस में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है पैलीमोन में जो हेस्टेट प्लेट है वो मिलती है कहाँ पर, वेंट्रल साइड में। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ऑक्सोस्पोर्स, तो ऑक्सोस्पोर्स मिलते हैं कहाँ पर, हमारे बेसिलेरोफाइसिस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एनाड्रोमस फिश कौन सी होती है, तो वो होती है हिल्सा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है पाइनस अपने आप को बचाता है माइक्रोब से और इंसेक्ट के अटैक से, किसके द्वारा, रेजिन के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ये बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखो इसमें बर्ड में पॉलीलेसिथल ये तो सही है लेकिन मैमल्स में माइक्रोलेसिथल एग मिलता है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कॉटन फ्रूट फाइबर है तो ये गलत है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या जो प्रोटेंडसली हर्माफ्रोडाइट है वो कौन सा होता है, तो सिस्टोड जो प्रोटेंडसली हर्माफ्रोडाइट हो, तो वो होता है हमारा टीनिया सोलियम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो केरलस लिलियस ने द्विनाम पद्धति दिया था इसमें से कौन सा उसका स्टेज या एक कैटेगरी नहीं है, तो वो है फाइलम और फैमिली। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो इनकम्प्लीट है, किसमें, तो यूरोमेस्ट्रिक्स में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है पक्सिनिया में या पक्सिनिया का वो स्टेज बताओ जो अल्टरनेटिव होस्ट पे मिलता है, तो वो मिलता है पक्सिनिडियो स्पोर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है वन स्पीसीज इनहिबिट
द ग्रोथ ऑफ अनदर स्पीसीज बट डज नॉट फीड ऑन इट। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म का मतलब होता है एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज की ग्रोथ को तो रोक देती है लेकिन उसको खाती नहीं है, ठीक है, मतलब उसके ऊपर फीड नहीं करती है, तो हम इस प्रोसेस को बोलते हैं अमेंसलिज्म। जब दोनों साथ में रहते हैं तो इसको बोलते हैं कमेंसलिज्म, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या ओनली स्मूथ वॉल राइजॉइड्स किस में मिलते हैं, तो ये मिलते हैं हमारे सिर्फ पैलिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है वीड ऑफ द फिश पॉन्ड हैविंग फ्राई इज रिमूव बाय, मान लो मछली के बच्चे युक्त तालाब से खरपतवार को किस प्रकार निकालना चाहिए, तो यांत्रिक अपरोपण से, मतलब मैकेनिकल अपरूटिंग द्वारा निकालना चाहिए खरपतवार को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या, ये दे रखी है टेबल, इसमें कॉलम ए को या लिस्ट वन को लिस्ट टू से करना है मैच करना है, तो जब आप मैच करेंगे, मैच करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा इसका, मतलब ये जो है कॉपरेशन, कॉपरेशन को हम बोलेंगे क्लोज एसोसिएशन इन इन विच बोथ स्पीसीज बेनिफिट, मतलब ए का थ्री, अब देखते हैं ए का थ्री, नहीं ए का थ्री, फिर ये डी का वन, ए का थ्री डी का वन, ए का थ्री डी का कॉमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म का क्लोज एसोसिएशन इन विच वन स्पीसीज बेनिफिट, ठीक है, कॉमेंसलिज्म वन स्पीसीज बेनिफिट, ठीक है, ये हो जाएगा डी का वन, डी का वन है ए में और थ्री में, ए का है टू बी का है थ्री, बी में क्या है अमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म मतलब म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म को बोलते हैं क्लोज एसोसिएशन इन विच बोथ स्पीसीज बेनिफिट, तो बी का थ्री डी का वन, तो बी का थ्री डी का वन हमारा ऑप्शन नंबर ए में है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या जो हमारे कॉलीफ्लावर हैं कैबेज हैं और ये नॉल खोल और टर्निप ये कितने जेनरा में आते हैं, तो ये सब एक ही जेनरा में आते हैं, ठीक है। एंटी ट्रांसपेरेंट पूछा है तो वो होता है हमारा फिनाइल मर्क्यूरिक एसिडेट, ठीक है, पीएमए। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है सेंट्रीपेटल जाइलम किस में मिलते हैं, तो ये मिलते हैं डाइकोट के रूट में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है ट्रिपैनोसोमा होता है पॉलीमॉर्फिक लेकिन इसके कौन सी स्टेज में फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता है, तो जो हमारा लैशमानियल स्टेज है या लैशमानिया है इसमें फ्लैजिला मौजूद नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या घावों पर ट्यूमर सदृश उत्तक जो पतली भित्ति वाली कोशिकाएं विकसित होती हैं वो क्या कहलाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं गाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एलुवियल सॉयल जो आपको देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है गंगेटिक जमुना प्लेन्स पर, मतलब गंगेटिक जमुना मैदान पर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इसी में फिर वही आपको एल्गी और उसका जो रिजर्व फूड है उसमें क्या बतानी है मैचिंग बतानी है, ठीक है। तो आप जब इसमें देखेंगे, देखो जो हमारा बेसिलियोफाइसी है, ये जो हमारा बेसिलियोफाइसी है, बेसिलियोफाइसी में जो आपको देखने को मिलता है वो मिलता है वोलुटिन, ठीक है, बेसिलियोफाइसी में वोलुटिन मतलब वन का फोर, वन का फोर जो है ये हमें देखने को मिल रहा है ए में और सी में, ठीक है। बाकी और देखते हैं बेसिलियोफाइसी का फोर, ए का फोर है ए में और टी में, बी का है वन, जेंथोफाइसी में मिलता है ऑयल, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन जब आप फियोफाइसी को देखेंगे तो फियोफाइसी में आपको, फियोफाइसी मतलब ब्राउन एल्गी, तो ब्राउन एल्गी में होता है मैनिटॉल, ठीक है। तो मतलब आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है बिल्कुल करेक्ट है। और जो हमारा क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफाइसी में क्या होता है स्टार्च, ठीक है, मतलब ए का फोर बी का वन सी का थ्री और डी का फाइव, ये है आपका करेक्ट ऑर्डर होगा। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कौन सा पेयर करेक्ट है, तो जो करेक्ट है वो कौन सा है कैपेरेडिएसी एंड्रोफोर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ये जो फॉर्मूला दे रखा है एच डैश इज इक्वल टू 0.61 लैम्डा अपॉन एन साइन थीटा, तो ये होता है रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है, मतलब विभेदन शक्ति रिजॉल्विंग पावर का ये सूत्र है, सूत्र का मतलब फॉर्मूला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या जियो टाइम स्केल के हिसाब से सबसे ओल्डेस्ट पीरियड कौन सा होता है, तो सबसे ओल्डेस्ट पीरियड जो हमारा होता है वो कौन सा होता है कैम्ब्रियन, यहाँ से सबसे पुराना होगा,
ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है लोमासोम्स किसको दर्शाते हैं, तो लोमासोम्स दर्शाते हैं हमारे मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है सबसे सबसे लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबिन कौन सी होती है, तो वो होती है IgM, और सबसे छोटा होता है IgG, इम्यूनोग्लोबिन इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जेनेटिक कोड इज डीजनरेट, इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका ये मतलब हुआ कि मोर देन वन कोडोन हैज सेम मीनिंग, एक से ज़्यादा कोडोन ऐसे हो सकते हैं जिनका मीनिंग क्या हो, सेम हो, या फिर वो एक सेम प्रोटीन के लिए कोड करते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं डीजनरेटिव प्रॉपर्टी, या कोडोन्स आर डीजनरेट। ठीक है, या जेनेटिक कोड इज डीजनरेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या जो रिटॉर्ड शेप्ड सेल्स होती हैं ये किस में देखने को मिलती हैं, ये मिलती हैं स्फेग्नम में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो मधुमक्खी मैथुन करती है अपने संपूर्ण जीवन काल में, रानी मधुमक्खी मतलब ड्यूरिंग इट्स एंटायर लाइफ, द क्वीन भी कॉपुलेट्स ओनली वंस, वो एक ही बार कॉपुलेट करती है और पूरा जितना भी स्पर्म होता है मेल का वो अपने बॉडी के अंदर क्या कर लेती है, स्टोर कर लेती है, और उसके बाद अपने हिसाब से फर्टिलाइजेशन करा के, या तो जो उसके बेबी होते हैं उनको बर्थ करती है, या फिर अनफर्टिलाइज्ड एग ही रिलीज करती है जिसके द्वारा क्या बनते हैं, ड्रोन्स बनते हैं, या मेल भी बनती है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है, ये डेटा दिया हुआ है, और हमें बताना है इसका क्या स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो वो आंसर आएगा हमारा 3.10। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या कि डेवलपमेंट ऑफ एंथर इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में एंथर का डेवलपमेंट या विकास ये होता है EU स्पोरेंजिएट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये जो सबमिशन है इसका मतलब पूछा है, कहने का मतलब है इन एरिथमेटिक एवरेज द मीनिंग ऑफ समेशन, ये जो साइन दे रखा है इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब ही होता है समेशन, ये जो साइन दे रखा है इसका मतलब क्या होता है, समेशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है वो बताओ जिसमें जेनेटिक मटेरियल क्या हो, DNA। तो जब आप देखेंगे, आप जब भी T2 फास की बात करेंगे तो इसमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, DNA होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है टेंड्रिल्स, जो टेंड्रिल्स होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, तो वो दर्शाते हैं स्पुनरावर्धन मतलब हैप्लोट्रॉपिज्म दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें हमसे पूछा है फंगल डिजीज कौन सी है प्लांट्स में, तो जो एप्पल स्क्रैब है ये एक फंगस से होने वाली बीमारी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इफ एन एक्टिंग इनहिबिटिंग मतलब एक्टिन इनहिबिटिंग ड्रग अगर आप डाल दोगे एमीबा में तो उसमें मूवमेंट क्या होगी, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है इसका आंसर क्या होगा, तुरंत रुक जाएगी। ठीक है, लेकिन आपको इसको एक बार जब आयोग की आंसर की आएगी तो एक बार उसे आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, बाकी चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है चार स्टेटमेंट दी है एड्स के रिगार्डिंग, आपको बताना है कौन सा सही है। तो देखो ये रेट्रोवायरस से होता है, ठीक है, रेप्लिकेट T4 सेल्स के अंदर होता है मतलब T4 लिम्फोसाइट्स के अंदर होता है, ये भी ठीक है। एलिसा टेस्ट होता है जिससे इसका प्रेजेंस लगा सकते हैं मतलब पता लगाते हैं एड्स किसी को है नहीं है, तो एलिसा टेस्ट के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है ये 6 साल तक डोरमेंट रह सकता है मतलब आपको हो जाए और आपको पता भी ना लगे 6 साल तक, तो ऐसा संभव नहीं है, तो इसलिए हमारे शुरू के स्टेटमेंट 1, 2, 3 क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए ही क्या है करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या डाइवर्सिटी ऑफ हैबिटेट ओवर द टोटल लैंडस्केप और ज्योग्राफिकल एरिया, जब टोटल की बात आती है टोटल डाइवर्सिटी की तो वो होता है हमारा गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओबिलिया की जो कॉलोनी में ग्रोथ होती है वो होती है सिम्पोडियल टाइप की। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में होता है हमसे क्या जो बर्ड में कैपेबल है रिमूविंग ड्यूरिंग इंस्पायरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, कहने का मतलब है जब मान लो बर्ड ने सांस ली, जो पक्षी है एक इसने सांस लिया, इंस्पायरेशन का मतलब होता है एयर को अपनी बॉडी के अंदर लेना, एयर को जब ये अपनी बॉडी के अंदर लेगा तो इसमें से इस एयर में से कितना ऑक्सीजन ये बर्ड
लेती है या अपने काम के लिए इसमें से एब्जॉर्ब करती है। तो हमसे ये पूछा गया है सवाल में, तो कहने का मतलब है इसमें हमारा जो अप्रोक्सीमेट आंसर है ना वो हो सकता है इसका 20%। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट हो सकता है, लेकिन इसमें भी यही है कि आयो की मर्जी है कि वो आपका कौन सा आंसर इसमें से या कौन सा ऑप्शन करेक्ट माने। देखिए 100% नहीं होगा, 90% भी नहीं होगा, बाकी 20 और 40 ऑप्शन जो है इसमें से आयोग को एक ऑप्शन बताना चाहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से 20% ही करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या इनमें से कौन सा वन्य जीवन अभयारण्य में अनुमत है। ठीक है, मतलब इनमें से कौन सा परमिटेड है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो कलेक्शन ऑफ फ्रूट, फायरवुड और मेडिसिनल प्लांट। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या ओरिजन और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म वॉज ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल पीरियड। ओरिजन और डाइवर्सिफिकेशन एंजियोस्पर्म, तो जब भी एंजियोस्पर्म का नाम आता है तो हमको क्या आंसर याद रखना होता है, क्रिटेशियस पीरियड। क्रिटेशियस पीरियड में एंजियोस्पर्म का ओरिजन भी हुआ था और डाइवर्सिफाइड भी हुए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या क्लोराइड सीक्रेटिंग सेल्स कहाँ पर होती हैं, तो गिल्स में होती हैं मछलियों के। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी ग्रोथ शो होती है और उसमें वस्कुलर बंडल्स लेप्टोसेंट्रिक होते हैं, तो ये देखा जाता है ड्रेसिना में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कंसिडरिंग अमाउंट ऑफ योक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉग का एग बताओ, मतलब जो हमारा फ्रॉग होता है उसका एग कैसा होता है, तो मीजोलेसिथल और टेलोरेसिथल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसमें पूछा है क्या काइलोराइजेई किसमें देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है एस्पाराजस में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है लाइन ऑफ ग्रोथ फाउंड ऑन द शेल ऑफ पिलाई इज कॉल्ड, तो इसको हम बोलते हैं क्या स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन सा जो जंतु है वो क्या है विषैला, तो जब आप देखेंगे ऑर्निथोरिंकस जो मेल होता है ये क्या होता है विषैला होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या जो पैरामीशियम का माइक्रोन्यूक्लियस होता है ये कैसा होता है डिप्लॉयड होता है। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कौन सा साइकस का फीचर नहीं है, तो मोनोसियस, ये गलत है, मोनोसियस होता है हमारा क्या पाइनस। ठीक है, और साइकस जो होता है ये होता है हमारा डाइसियस, मतलब मेल और फीमेल कौन बोलूँ या मेल और फीमेल पार्ट बोलूँ ये अलग अलग प्लांट में इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या जो लीफलेस स्टेम है किसकी ऑनियन की वो प्रोड्यूस करती है फ्लावर, तो हम इसको बोलते हैं स्केप। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्रोटीन के सिंथेसिस के रिगार्डिंग सही नहीं है, तो देखिए ये हमारा सी टर्मिनल से एन टर्मिनल्स की ओर होता है, ये क्या है गलत है, मतलब ये सही नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है एपिगाइनस फ्लावर, एपिगाइनस फ्लावर जो होते हैं कुकुरबिटेसी में देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में इसको कितने, इसमें कितने महत्वपूर्ण वन्य प्राणी रखे गए हैं, तो वो रखे गए हैं छठी अनुसूची में, सिक्स्थ शेड्यूल्स में रखे गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या जो हमारी सिंगरेन है इज रिप्रेजेंट इन द मेंबर ऑफ फैमिली, सिंगरेन जो हमारे रिप्रेजेंट होते हैं वो किसकी फैमिली में रिप्रेजेंट होते हैं, तो वो होते हैं ब्रासिकेसी फैमिली के मेंबर्स में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है फिलेरिया इज डायग्नाइज बाय द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोफिलेरिए इन ह्यूमन ब्लड, कहने का मतलब है आपको फिलेरिया किसी ह्यूमन के ब्लड में बताने हैं या आपको देखने हैं, तो आप कब उसके लिए सैंपल कलेक्ट करोगे, तो आप सैंपल कलेक्ट करोगे रात को, मतलब रात से सुबह के बीच में क्या करोगे इंसान का सैंपल कलेक्ट करोगे, और आप जब उसको पता लगाना चाहते हो कि उसमें क्या है फिलेरिसिस नाम की बीमारी है। ठीक है, मतलब फिलेरिया वही आप चेक करना चाहते हो। ठीक है, तो आप रात को या रात से सुबह के बीच में उसका ब्लड कलेक्ट करोगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है चैपरल अकर्स इन वन ऑफ द एरिया, मतलब मेडिटेरियन सी में आपको देखने को क्या मिलेंगे कैपरल। ठीक है, चैपरल जो पाए जाते हैं वो मेडिटेरियन क्षेत्र में पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया लैक इंसेक्ट फीड ऑन विच होस प्लांट, मतलब जो आहार के लिए लाख कीट किस पौधे पर निर्भर रहता है, तो वो है ब्यूटिया मोनो स्पर्मा। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या जो तीन पेयर अपेंडिजिस मिलते हैं नेपुलियस लार्वा, इनके बारे में कौन सा कथन सही है, तो दोनों एंटीना और मैंडिबल्स जो क्या होते हैं, बायरामस होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा है किसके बारे में, पॉलीसोम्स के बारे में। तो पॉलीसोम्स क्या होता है, जब एक एमआरएनए पर बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, पॉलीसोम। ये पूरा एक कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है, राइबोसोम का। ठीक है, राइबोसोम के दो पार्ट होते हैं ना, एक छोटा पार्ट होता है, एक बड़ा पार्ट होता है, या फिर मैं बोलूँ राइबोसोम जो होता है वो दो पार्ट से बना होता है। ठीक है, इनके बीच में क्या होता है, ये हमारा एमआरएनए। तो इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम्स। ठीक है, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल में, उसमें जो वायरुलेंट है मतलब विषैला कौन सा होता है, तो विषैला होता है एस स्ट्रेन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या एम्फीबियंस में जो फर्टिलाइज्ड एग है वो डेवलप होता है फीमेल के स्टमक में, ठीक है, और उनमें से छोटे छोटे जो फ्रॉग हैं, ठीक है, वो उसके मुँह के द्वारा बाहर निकलते रहते हैं, ये जो है किसमें देखने को मिलता है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, हो सकता है इसका आंसर आपको किसी ने ना बताया हो या आपको ना पता हो, तो जो रियो बेट्रेकस होता है इसमें ये पूरा देखने को मिलता है। होता क्या है, इसकी बॉडी में या इसके स्टमक में क्या होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग डेवलप होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग होते हैं और वो डेवलप होते हैं और उसके मुंह के द्वारा जो फ्रॉग होते हैं वो बाहर आते हैं एनवायरनमेंट में, ठीक है, या बाहर निकलते हैं, तो ये देखा जाता है रियो बेट्रेकस में। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या जो हॉर्स शेप ओव्यूल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एम्फीट्रोपस। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म फाइला प्रोड्यूसेस मोटाइल स्पर्म बनाएगा, ओव्यूलेट भी होगा, माइक्रोस्पोरेंजिएट कॉन्स भी होंगे सेपरेट प्लांट पर, और क्या होगा, फ्लैशी कोटेड शीट। तो देखो ये जो हमारी कंडीशन है ना, ये हमारी किस में मिलती है, साइकस में। ठीक है, अगर इसमें यहाँ पर एक कंडीशन और जुड़ जाती जिसको हम क्या बोलते, फाउल स्मेल। फाउल स्मेल होने के बाद और सारी कंडीशन यही रहती तो हमारा आंसर क्या होगा, जिंकजो, जी आई एन के जी ओ, जिंकजो बायलोवा, आपने सुना होगा। अगर फाउल स्मेल भी अगर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऐड हो जाती तो हमारा आंसर क्या होता, जिंकजो बायलोवा। लेकिन जो ये पूछा गया है इतना ही, इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, साइकस होगा। ठीक है, तो अब आपको ऑप्शन देखना था, ऑप्शन में क्या है, बी ऑप्शन दे रखा है साइकेडो फाइटा, तो मतलब हमारा बी ऑप्शन क्या है, इसका करेक्ट आंसर था। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है, तो देखिए जब आपने एपिस्टेटिस पढ़ा होगा तो आपको ये देखने से ही क्या लगा होगा, ये स्टेटमेंट क्या है, कतई गलत है। ठीक है, तो मतलब ये आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या प्रोफाज में जो कियास्मेटा है वो कौन सी स्टेज पर बनता है, ठीक है, या ये कह सकते हैं कि किसके फलस्वरूप बनता है, तो क्रॉसिंग ओवर है। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज में कैजमेटा का कारण क्या है, क्रॉसिंग ओवर। अगला क्वेश्चन है एपोकार्पस कंडीशन किस में देखने को मिलती है, तो ये मिलती है हमारी किस में, रैनन्कुलोसी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या मोनोजेनियन एक्टोपैरासाइट ऑफ फिश आर पर्टिकुलरली फाउंड ऑर देयर गिल्स, गिल्स में मिलते हैं भैया उनके क्या, एक्टोपैरासाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, तो ये तो बड़ा फेमस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कहने का मतलब है F2 जो जनरेशन होगा उसमें चाहे हम फिनोटाइपिक रेशियो ले लें या जीनोटाइपिक रेशियो ले लें, वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, यही आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया था, और यही जो सेम लिखा गया है वो कौन से ऑप्शन में लिखा गया है, फिनोटाइपिक एंड जीनोटाइपिक रेशियो आर सेम इन F2 जनरेशन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो देखिए इसमें
प्लेटी हेलमाइंस की बात करूँ तो प्लेटी हेलमाइंस अनसेगमेंटेड भी होते हैं और सेगमेंटेड भी होते हैं, ठीक है, असिलोमेट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आर्थ्रोपोडा है, इसमें भी मेटामेरिक और असिलोमेट। तो देखिए इनमें से बी या डी, अब देखते हैं आपका आयोग इनमें से कौन से ऑप्शन को सही मानता है, ठीक है। ये इसमें बी और डी में डाउट है, लेकिन मैं जो बताना चाहूँगा, मैं मानना चाहूँगा कि इसका डी आंसर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये इन केस ऑफ डाउट अगर मैं ये मान भी लूँ कि ये अनसेगमेंटेड हैं या सेगमेंटेड होते हैं, तो इसमें कुछ सेगमेंटेड भी होते हैं, तो बी मान लो, चलो इसका आप बी अगर मान लो, लेकिन आप फाइनल कॉल तभी लेंगे जब आपका आयोग इसका आंसर की देगा, ठीक है। देखते हैं फाइनल आयोग आपके इसमें किसको सही मानता है, बी को या डी को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या जो ड्रायोप्टेरिस का सोरस है वो किस टाइप का होता है, वो होता है मिक्स टाइप का। अगला क्वेश्चन है जो पेनक्रियास का एक्सोक्राइन वाला पार्ट है उसको कौन स्टिमुलेट करता है, तो वो करता है सिक्रेटिन और पेनक्रियोजाइमिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्या वो एल्गी बताओ जिसमें क्लोरोफिल ए भी हो, फ्लोरिडियन स्टार्च भी हो और फ्लैजिलेटेड सेल भी उसमें ना हो, तो वो होती है हमारी रेड एल्गी, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हमें बतानी है भैया मैचिंग। तो देखो जो भी तुम्हारी ये मैचिंग है, मैचिंग में आप ये देखेंगे कि आपकी न्यूट्रोफिल्स और एसिनोफिल्स काम क्या करती है। तो जब आप इसका ऑप्शन देखेंगे तो देखो न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं ये डाइपिडस, आप ऑप्शन के हिसाब से 3 दे रखा है सी और डी में, लेकिन आप इसिनोफिल्स को देखेंगे तो ये क्या करती है, एलर्जी के दौरान इनका नंबर क्या है, बढ़ जाता है। तो मतलब बी का तो 4 है कन्फर्म। तो बी का 4 किस में दे रखा है, एक तो ए में दे रखा है, एक डी में दे रखा है। और अगर मान लो अगर आपको ए में कन्फ्यूजन था भी तो आप ऑप्शन नंबर डी दे सकते थे। ऑप्शन नंबर डी में क्या था, लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स क्या करती हैं, हमारी एंटीबॉडी बनाती हैं। तो मतलब डी का है 1, बी का है 3, सॉरी बी का 4, बी का 4, डी का 1। तो ये हमारे ऑप्शन नंबर डी में था, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर था, ठीक है। तो आप ऐसे भी इसका आंसर, मतलब इसके सही आंसर तक पहुंच सकते थे। अब चलते हैं हम आज के अपने इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न में हमसे ये पूछा गया है, एक डायहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हमने किया, तो इसमें हमने ये देखा कि पेरेंटल टाइप एक्सीड कर जाते हैं रिकॉम्बिनेशन टाइप को, ठीक है, रिजल्टेंट प्रोजीनी में। तो ये किसके कारण हुआ, तो ये लिंकेज के कारण ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। हिंदी में भी देख लो एक बार, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस में प्राप्त प्रोजनी में यदि पैतृक टाइप्स की संख्या पुनर्गठित टाइप से अधिक है तो इसका कारण क्या है, सहलग्नता। मतलब क्या है आंसर, लिंकेज ही होगा आपका क्या, करेक्ट आंसर। तो देखिए ये थे 125 क्वेश्चन जो कि थे आपके यूपी पीजीटी 2021 के बायोलॉजी के, ठीक है। तो ये थे मेरी तरफ से इसके संभावित उत्तर, ठीक है। बाकी ये इनमें से सारे क्वेश्चन ज़्यादातर सही हैं, बाकी एक दो क्वेश्चन में जो डाउट है वो आप क्लियर कर सकते हैं जब आयोग की क्या आएगी, ऑफिशियल आंसर की, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है आयोग का तो आज का झोल, जिसका उसको जवाब नहीं पता होता है उसका वो गलत जवाब दे देता है। ऐसे ही अभी उत्तराखंड के एग्ज़ाम में हुआ है और उससे पहले यूपी के टीजीटी में हुआ है, तो अभी तो ये सिलसिला चल ही रहा है। खैर छोड़िए, तो आप ये जो क्वेश्चन है ये देखिए, बाकी इसी के हिसाब से आप अपने आने वाली पेपरों के लिए तैयारी कीजिए। धन्यवाद।